अज शिवसेना हिंदुस्तान जिला पटियाला दे सारे सीनियर लीडर्स की इत्थे बैठक हुई है, जिहदे च वख-वख विंगां दे प्रमुख नेता शामिल होए ने। और अज दी मीटिंग दे विच बड़े विस्तार नाल विचार वटांदरा होया, जिहदे विच आने वाली जिहड़ी नगर निगम दीआं चोणां पटियाले दीआं विशेष करके उहदे उत्ते विचार कीता गया। और ये पिछली बार जो हल्के वंडे गए सी, वार्ड वंडे गए सी, उन्हां दी रणनीति ते समीक्षा कीता गया। और ये फैसला होया कि सारे वार्डां दे विच शिवसेना हिंदुस्तान दे उम्मीदवार खड़े करन दे लई वख-वख पार्टी दे जिहड़े लीडर साहिबान ने उन्हां दी ड्यूटी लगाई गई है। और आगामी 13 तरीक नूं दुबारा मीटिंग होएगी, जिहड़े वार्डां दे विच पार्टी दे लीडर साहिबानां दी ड्यूटी लगी है वो अपने अपने कम्मां दी रिपोर्ट पार्टी नूं सौंपणगे। उहदे आधार ते पार्टी फैसला करेगी कि किन्ने क वार्डां च शिवसेना हिंदुस्तान अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इहदे नाल ही अज पार्टी ने एक अहम फैसला किया है, जिला पटियाले दे विच 3 महत्वपूर्ण रैलियां हिंदू समाज दीआं प्रमुख मंगां नूं लै के कीतियां जाणगीआं, जिहदे विच पटियाला, समाणा और नाभा ये तिन्नां थावां ते शिवसेना हिंदुस्तान अपने वर्करां दी रैली करन जा रही है, जिहदे विच असीं सरकार दा ध्यान दिवाउणा चाहुंदे हां कि जिहड़े 781 करोड़ रुपए पंजाब दे 35,000 अतवाद पीड़ित हिंदुआं दे पेंडिंग है उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी मान सरकार रिलीज़ करे। दूसरा असी जिहड़ा सरकार दा ध्यान दिवाउणा चाहुंदे हां कि पंजाब दे अंदर हिंदुआं दे नाल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बहुत सारियां फिल्मां ऐसियां आईयां जिहड़ियां हिंदुआं दी धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचा रही हैं, पर उन्हां दे उत्ते सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदुआं दी धार्मिक भावनावां दा पंजाब सरकार ने सन्मान करदे होए ना तां कोई FIR दर्ज की है, ना ही वह फिल्म नूं हटाउण दा उपराला किया। दूजे पासे अज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कल हैरिंग करदे होए बड़ी तिखी टिप्पणी की, जिहदे विच उन्हां ने स्पष्ट किया कि 200 जिहड़े लोग अतवादी पक्षियों की रिहाई मांग रहे ने मोहाली दे विच कौमी इंसाफ मोर्चा लगा के, उहदे जाम नूं हटाने दे विच सरकार फेल हो रही है। और उन्होंने सरकार नूं कहा, पंजाब सरकार नूं, सूबे की पुलिस नूं भी कहा कि 200 जिहड़े अंदोलनकारी है ये जिहड़े अतवाद पक्षी अंदोलनकारी है इन्हां नूं हटाया नहीं जा सकता, आम जनता नूं तकलीफ पहुँच रही है। और दूजे पासे हिंदुआं दे सेंटीमेंट नूं सट लग रही है कि सरकार मौन धारण करके बैठी है, सरकार ने पक्ष पूरे है क्योंकि वह समुदाय विशेष के लोग ने तो उन्होंने धार्मिक भावनावां है। असीं पुछना चाहते हैं कि पंजाब के हिंदुओं की कोई धार्मिक भावना नहीं? पीर बजरंगे जे हिंदू समाज कानून च विश्वास रखता है, शांति बनाए रखने च विश्वास रखता है, तो क्या हिंदुओं का अपराध है? हिंदू अपराधी हो गए जो कानून व्यवस्था नहीं तोड़ना चाहते, शांति नाल अपनी गल कर रहे हैं, वो जे कह रहे कि साड़ी धार्मिक भावनावां नूं ठेस लग रही है। इहदे नाल नाल शिवसेना हिंदुस्तान दी मीटिंग दे विच केंद्र सरकार दे खिलाफ़ भी आवाज़ बुलंद कीती है कि उन्हां दा सेंसर बोर्ड है और उस सेंसर बोर्ड दे होण दे बावजूद, हिंदू पक्षी केंद्र दी सरकार होण दे बावजूद, एक कैसी हिंदू पक्षी सरकार सी जिहदे च आदि पुरुष वर्गी फिल्म दा जिहड़ा है पास हो गई, कि शिवसेना हिंदुस्तान ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के उत्ते भी सवालिया निशान लगाया और पूछा है कि अगर ये कांग्रेस की सरकार होंगी तो गल समझ आ सकती सी, पर आदि पुरुष वर्गी फिल्म जिदे च इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सवाल चुक दिते है, वो ऐसी हालत च केंद्र सरकार की कहना चाहेगी? क्या मोदी सरकार भी हिंदुओं की धार्मिक भावनावां का मजाक उड़ाने दे विच बराबर की भागीदार है? तो शिवसेना हिंदुस्तान ने ये सारे मुद्दों के उत्ते जिला पटियाला दी अज बैठक दे विच विचार वटांदरा कीता है और फैसला कीता है कि हिंदू समाज दे पंजाब दे हिंदुआं दी हकी मंगां दे लई और काफ़ी लंबे समय तो जिहड़ी असी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं अतवाद दे दौरान जिहड़े हिंदू मारे गए 35,000 उन्हां जिहड़ा उत्थे शिवसेना दे नेता और उन्हां दे परिवार दे लोकां नूं गोलियां मारतियां सीगियां, वह असी पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी तो अपील करांगे कि उन्हां दोषियों नूं जल्दी तो जल्दी पकड़िया जाए। और खास करके भगवंत सिंह मान पंजाब दे मुख्यमंत्री ने उन्हां नूं भी इस घटना की निंदा करनी चाहिदी है, क्योंकि अतवादी घटना छोटी होवे या वड्डी होवे वो पंजाब दे लई सही नहीं है। और खास करके
जेडे लोग अमृतसर दे विच उह हरदीप सिंह निज्जर दे मारे जाण दे बाद वो पता नहीं किसे दफ्तर दा संयुक्त दूतावास दा घराव करन दे लई उत्थे कोशिश कर रहे सी और खालिस्तान पक्षी नारे ला रहे सीगे। एक होर असी सोशल मीडिया देखा कि दुकान दा नाम उन्हें खालिस्तान रखा है, तो यह जो तेरिया ताकत ने जिहड़ा कि देखण च तां शांतिपूर्ण कर रही ने पर इन्हां नूं कुचलिया जाना चाहिए है। ये इस तरह की जिहड़ी मांग की जा रही है, जिस तरह खालिस्तान समर्थक कट्ठे होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये उत्ते सरकार लगाम लगाए। भगवंत सिंह मान नूं इन्हां कन्नियों अखां बंद नहीं करनिया चाहिए, विशेष करके जिस तरीके नाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं DGP नूं झाड़ लगाई है कि एक कौमी इंसाफ मोर्चा जिहदे विच 200 समर्थक है इन्हां नूं तुसीं हटा नहीं पा रहे, क्या एक स्टेट 200 लोगों की गुंडागर्दी के अंदर बेबस हो गई है। ये बड़ा बड़ा विषय है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आज जिहड़ी टिप्पणी करती है उस तो पता लग रहा है कि कानून व्यवस्था लागू करने च पंजाब पुलिस की जिहड़ी ढिल है, राजनीतिक नेतृत्व दे इच्छा शक्ति की कमी के कारण वो मानसार नूं चाहिए है कि इस तरह की कार्रवाइया जिहड़ा रोकण आम पब्लिक के लिए वो जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चे का मूवमेंट है उतों हटाई जाए। और तो हाई कोर्ट ने कहता भी जे हटन नूं तैयार नहीं तो जेलों च ठूस दो, बाकियों नूं तुसीं डिब्रूगढ़ भेज रहे हो, तो ये बेचारे इतने सड़कों पर क्यों है, क्यों जनता की परेशानी का सबब बन गए। किसी की रिहाई अगर जरूरी है, कानूनी है, तो कोर्ट च जाके लड़ो, ना कि सरकार से लड़ो। और सरकार जिस तरीके ने उन्होंने छूट दे रही है ये गलत है। शिवसेना हिंदुस्तान भी पंजाब सरकार तो मांग करना चाहती है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार इन्हों तुरंत चंडीगढ़ और मोहाली की सड़क तो हटाया जाना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ? ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਸ ਸਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਨ ਸਭਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ, ਔਰ ਸਮਾਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਭਾ, ਇਹ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰ ਰੈਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕਰ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ
उन्हों की हिंदुस्तान के अंदर जी प्रॉपर्टी है वह कुरक कर दी जाए और विशेष करके जोड़े अतवादी पिछले दिन मारे गए हैं उन्होंने शिवसेना हिंदुस्तान स्वागत करती है कि देश विरोधी जोड़े है खास करके देश के नाल जोड़े गद्दारी करने वाले है उन्होंने हसर इसी तरीके होना चाहिए है। शिवसेना हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की सिख फॉर जस्टिस के लीडर गुरबंस सिंह पन्नू से संबंधित खबर आ रही है हालांकि पुष्टि नहीं हुई पर हिंदुस्तान के सारे देशभगत नागरिक ये सोच रहे हैं और मन रहे हैं कि खबर की पुष्टि हो जानी चाहिए है क्योंकि जिन्होंने देश के तिरंगे के खिलाफ देश के खिलाफ देश को तोड़न की साजिशा घड़ियां यहोजे गुरबंस पन्नू की जी खबर आई है वो सच होनी चाहिए है और जे अज सच नहीं हुई तो कदे भी सच हो जाए ऐसा हिंदुस्तान के करोड़ी लोग करोड़ लोग जड़े है ऐसी दुआ मंगते जयकार वीर बजरंगे। आने वाले कुछ समय के शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब इकाई की बैठक होने जा रही है और उस बैठक के दौरान जोड़े पंजाब राजनीतिक हालात बन रहे हैं नवे जिदे आप सुन रहे हैं कि क्या सराइया हो रही हैं अकाली दल भाजपा का गठबंधन होएगा और दूसरे नवे हालात बन रहे हैं उस शिवसेना हिंदुस्तान अपनी भी राजनीतिक रणनीति तय करेगी और विशेष करके जिस तरीके नाल पंजाब दे हिंदुओं नूं पंजाब दी सरकार वालों केंद्र सरकार वालों अणगोलिया किया जा रहा है उस पंजाब दी बैठक दे विच जिहड़ी कोर कमेटी की बैठक होएगी उहदे विच इक रणनीति तैयार की जाएगी और उस रणनीति के तहत जोड़े भी अंदोलन के प्रोग्राम तय होणगे उहदी घोषणा की जाएगी।